यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीलेश काफी सालों बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका बेटा भी था जिसका नाम हर्षित था। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह दोनों कार से उतरकर कार को देखने लगते हैं, लेकिन कार सही नहीं हो रही थी। उन दोनों को गांव पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि वहां पे उनकी माँ ने खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा था कि तभी उन लोगों के पास एक आदमी आता है और वह उन दोनों से कहता है, क्या हुआ साहब, काफ़ी परेशान दिख रहे हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, वो मेरी कार खराब हो गई है और मुझे गांव जाने की जल्दी है। अब इतनी रात में मैं इस सुनसान रास्ते पर एक मैकेनिक को कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहो तो मैं भी कार सही कर लेता हूँ। मैं भी पहले एक मैकेनिक ही था, अब मैंने मैकेनिक का काम छोड़ दिया है, लेकिन आप कहो तो मैं आपकी कार सही कर सकता हूँ। क्या सच में? तो ये पूछने वाली कौन सी बात है? प्लीज़ मेरी गाड़ी को सही कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। करीब उस आदमी को 10 मिनट लगे होंगे, उसने उनकी कार को ठीक कर दिया। ये सब देखकर नीलेश काफ़ी खुश हो जाता है और वह कहता है, क्या बात है भाई, आपने मेरी कार तो बिल्कुल सही कर दी, आपने मेरी कार सही करी है। आप बताओ, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दूंगा, आपने हमारी इतनी मदद जो की है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, जहां भी जा रहे हो चले जाओ अपने सफर की ओर, बस मुझे यही चाहिए। फिर वह दोनों कार में बैठकर वहां से गांव की तरफ निकल लेते हैं। वह रात को ही गांव पहुंच जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही नीलेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर नीलेश की माँ उन दोनों से हैरानी से कहती है, क्या कह रहा है तू बेटा? कुछ साल पहले की बात है, उस रोड पर एक मैकेनिक रहता था जिसका नाम संजू था। वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की कारें खराब होती तो वह मैकेनिक सही कर देता। एक दिन की बात है, दो कपल की गाड़ी खराब हो गई थी तो उस मैकेनिक ने उनकी कार को सही किया। जब उस मैकेनिक ने उनसे पैसे मांगे तो उन लोगों ने उसे जान से मार दिया और मारकर एक रोड के साइड पर वहीं पर दफना दिया। जब से उस मैकेनिक की आत्मा वहां पर भटकती रहती है और आने जाने वाले लोगों की कार खराब होती है तो वह वहां पर कार सही करता है। अगर कोई उनको पैसे देने से मना करता है तो वह इनको मार देता है। बेटा, तुम इसलिए ही बच गए हो कि तुमने उन्हें पैसे देने को कहा था। अगर तुम उसे पैसे देने को नहीं कहते तो वह तुमको भी मार देता। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से आज तुम हमारे साथ हो बेटा। गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई और स्टोरी है तो हमें ईमेल पे ज़रूर भेजिए। हम आशा करेंगे कि अगली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी आपकी हो।